नमस्कार, ऐसे न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद हैं जो गली गली, शहर शहर और पूरे क्षेत्रों के अंदर बहुजन समाज के परचम को लहराते हैं, सुरेश चंद्रा जी, एडवोकेट सुरेश चंद्रा जी। सुरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आज आप बड़े अच्छे मौके से यहाँ मुलाकात हो रही है। यहाँ पर दो काम हो रहे हैं जी, कि बहुजन समाज की जागृति का भी काम हो रहा है जी, प्लस जो जो हमारा साहित्यिक क्षेत्र में कहीं पिछड़ापन है वो भी आगे बढ़ रहा है, वो भी कुछ यहाँ से पिछड़ापन कम हो करके कुछ आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। सुरेश जी, आप बहुजन समाज की बात को आगे बढ़ाते हैं तो मैं भी बहुजन समाज की बात को ही आगे बढ़ाते हुए आपसे बात करूंगा। आज की डेट में जो बहन जी के कई सारे दिशा निर्देश हैं, वैसे तो बहन जी जो बसपा सुप्रीमो है मायावती, वो अपने निर्देशों से, अपने तरीकों से हमेशा सुर्खियों में रहती हैं, क्योंकि उनके जैसी डिसीजन पावर कोई नहीं लेता है पूरे देश के अंदर, ये बात बहुत अच्छे से मानी जाती है। लेकिन अभी कहा जा रहा है कि भाई भतीजे की राजनीति हो रही है, उसके ऊपर आप क्या बोलेंगे वो बताएं, क्या ये सही है गलत है वो भी बताएं। देखें, ये जो लोग सोच रहे हैं वो ठीक नहीं सोच रहे हैं। अगर मान लीजिए आनंद भाई और वो भतीजे यदि उनके परिवार में पैदा हो गए हैं तो भाई उनका क्या कसूर है? एक जो मानवीय अधिकार है वो भी तो राजनीति में जाना चाहेंगे, वो भी तो राजनीति में जाने चाहिए, उनको भी राजनीति करनी चाहिए। तो ये कह देना कि भाई पारिवारिक राजनीति शुरू हो गई है, वंश परंपरा की राजनीति शुरू हो गई है, वो बहुत उचित नहीं है, क्योंकि उनका भी तो ह्यूमन राइट है। जब ह्यूमन राइट है तो भाई उनको भी राजनीति में जाने का मौका है। अब मान लीजिए आप फिर नहीं बख्शेंगे उनको कि अगर मान लीजिए आनंद भाई और वो उधर चले गए। आपने ह्यूमन राइट की बात करी तो माननीय काशीराम भी तो ह्यूमन राइट्स में आ सकते थे, अपने बच्चों को, अपने लोगों को ये सत्ता दे सकते थे। हाँ, देखिएगा, बात सुनिएगा, उनके परिवार ने भी कोशिश तो किया था जी, उनके भाइयों ने भी कोशिश किया था, उनकी भी सिस्टर ने भी कोशिश की थी, लेकिन वो बहुजन समाज में जम नहीं पाए, रुक नहीं पाए। नहीं तो उस दौरान उन्होंने विरोधाभास की राजनीति की थी। अगर माननीय बहन जी के साथ वो जुड़ करके काम कर रहे होते, संभव है ये बात सामने ना आती जो आप मेरे से सवाल कर रहे हैं। तो इसलिए वो ठीक और उचित नहीं है जो आप कह रहे हैं कि भाई माननीय कांशीराम साहब ने, बिल्कुल उन्हीं की परंपरा पर माननीय बहन जी हैं, लेकिन जो उनके परिवार का कोई भी आदमी है और उसकी इच्छा है, उनका मानवाधिकार है, तो भाई उसमें क्या है? बहन जी भी तो उत्तराधिकारी बनी हैं माननीय कांशीराम साहब की, तो उत्तराधिकारी बनना जब उनके लिए कोई ठीक नहीं है तो माननीय बहन जी के भी अगर ये उत्तराधिकारी बन गए सत प्रसिद्ध, हालांकि अभी ऐसा कहीं कुछ है नहीं, लेकिन मैं तो बहुत एडवांस में बात कर रहा हूँ कि अगर मान लीजिए वो भी उत्तराधिकारी डिक्लेयर हो जाते हैं तो बहुजन समाज को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, इतनी बात जरूर कहूँगा कि माननीय आनंद जी हैं और जो बेटे जान हैं, भतीजे हैं, उनको अभी और माननीय कांशीराम साहब का भी अध्ययन करना चाहिए, उनकी जिंदगी को पढ़ना चाहिए, बाबा साहेब को भी जानना चाहिए, उनको भी पढ़ना चाहिए, और बहुजन समाज की राजनीति को माननीय बहन जी के दिशा निर्देशन में पूर्णतः समझ लेना चाहिए, तब कहीं सफल हो पाएंगे। नहीं तो फिर जो आप जो कह रहे हो कि हंसी के पात्र भी बन सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।